वॉइस यान बैक एंड ऑफ द कूल व्लॉग बेबी। सो आज हम लोग वीडियो करने वाले हैं हेयर केयर और हेयर टिप्स के ऊपर। तो क्यों ये वीडियो क्यों करने वाले, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन में जैसे कि क्यू एन ए में मैंने बोला था, और इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मेरा ब्लीच फेशियल का जो वीडियो था, स्किन केयर का मतलब, उसके अंदर मैंने बोला था कि कमेंट्स में तुम लोग मेरे को बताया करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा लोग एक ही चीज़ के ऊपर पूछ रहे थे कि हेयर केयर और हेयर फॉल के ऊपर वीडियो करने के लिए। तो आज हम लोग करेंगे हेयर केयर और हेयर फॉल के ऊपर वीडियोस, और मैं कुछ आसान सी 5 टिप्स दूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तुम लोग आखिरी तक देखना, बहुत यूजफुल वीडियो है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का वीडियो हेयर ग्रोथ और हेयर फॉल के ऊपर है। तो ये वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना। अगर स्किप करते हो तो इसमें आप लोगों का ही नुकसान है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं लोगों को बता रहा हूँ। मेरे जो लोग हैं, जिन लोगों को सही में जरूरत है वो पूरी देखेंगे, और जो लोग मतलब स्किप करके भगा भगा के देख रहे तो तुम लोगों का नुकसान है। अगर एक भी टिप छूटती है तो तुम्हारे बालों का ही नुकसान है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। टिप स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर तुम लोगों को दे रहा हूँ, तो क्या बोल रहा हूँ तुम लोग ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले, सबके बालों के टाइप्स अलग होते हैं। किसी के कर्ली होते हैं, किसी के वेवी होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी के थिक होते हैं, किसी के थिन होते हैं। तो उसी तरह बेसिकली सबके बालों के हार्मोन्स पे उनकी ग्रोथ भी डिपेंड होती है। इसके अलावा भी कुछ बेसिक नीड्स होती है बालों की, जो पूरी करके और कुछ प्रिकॉशंस लेने से हम बालों की ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स दूंगा आप लोगों से, कुछ टिप्स शेयर करूंगा आप लोगों से जो बहुत ज्यादा यूजफुल है, जो मैं खुद पे भी ट्राई कर चुका हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तो ये तुम लोग भी फॉलो करो, तुम लोग को भी इससे बेनिफिट्स होंगे। और रही बात इस चीज़ की, तो भाई ये स्क्रिप्ट लिखा हूँ मैंने, मेरी लाइफ में पहली बार मैं कोई वीडियो के लिए स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये स्क्रिप्ट पूरी दिमाग की है भाई, कहीं इंटरनेट से या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है स्क्रिप्ट में। और बहुत ज़्यादा टाइम बाद मैं वीडियोस कर रहा हूँ अभी, क्योंकि तुम लोग जानते हो कितना लंबा गैप लेने के बाद मैंने वापस स्टार्ट किया, तो मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा फंबल हो जाता हूँ, थोड़ा फफल हो जाता हूँ, बहुत सारे सीन होते हैं मेरे को वीडियो शूट करने के टाइम। तो आज का वीडियो तुम लोग पूरा देखो और एक एक चीज़ देखो, और बिना स्किप किए देखे कैसा फंबल होता है भाई लोग, इसलिए मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ भाई। तो बिना स्किप किए तुम लोग ये वीडियो को पूरा देखो, बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहली टिप की तरफ बढ़ते चलो। तो आज का सबसे पहला टिप ये है हमारा, बहुत लोगों का सवाल ये चीज को लेके कि भाई तुम इतना केमिकल अप्लाई किए हो, इतने बाल कलर किए हो, हेयर कलर किए हो, ये सब किए हो, उसके बाद भी माशाल्लाह बाल तुम्हारे इतने अच्छे कैसे हो, यानी इतने थिक, इतने फास्ट ग्रो होने के क्या रीजन है। तो सबसे पहली टिप ये रहेगी भाई कि हर दो महीने, एक महीने में हर दो मंथ में या वन मंथ में मैं हेयर स्पा कराता हूँ। और हेयर स्पा कराने का मेरा मेन मकसद ये है भाई कि जो हमारी स्कल्प है उसके उसके अंदर से हमारे बाल निकलते हैं, तो हेयर रूट्स के जो वो रहते हैं जड़, जहाँ से बाल हमारे निकलते हैं, तो वहाँ पे फैट्स जम जाता है। तो हेयर स्पा कराते हैं हम, तो सबको मालूम ही है हेयर स्पा में हमको स्टीम दिया जाता है फॉइल लगा के। तो स्टीम देने से क्या होता है कि वहाँ पे जो फैट्स जमता है वो फैट्स निकल जाते हैं, जो डर्ट जमा रहता है वो निकल जाता है हेयर स्पा के साथ। तो इससे और एक और चीज़ कि हमारे स्कल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, जिससे हमारी रूट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है। इससे क्या होता है कि हमारे बाल ज़्यादा उभर के बाहर निकलते हैं अच्छे से, और थिक बाहर निकलते हैं, थिक होकर निकलते हैं और फास्ट ग्रोथ लेते हैं। तो इस वजह से हेयर स्पा किया जाता है। तो आज का ये सबसे पहला टिप था कि हर दो महीने या एक महीने में हेयर स्पा करो। तो ये हमारा पहला और सबसे आसान टिप था। अब बढ़ते हैं दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप भी मैं तुम लोगों को हेयर ग्रोथ के ऊपर बताऊंगा। दो टिप्स है, दोनों टिप्स हेयर ग्रोथ के ऊपर। इसके बाद जो तीन टिप्स रहेगी वो मैं तुम लोगों को हेयर फॉल से बचने के तरीके बताऊंगा। तो बढ़ते हैं दूसरी टिप। दूसरा टिप हमारा ये वो है कंडीशनर के ऊपर। तो बेसिकली हम लोग कंडीशनर हफ्ते में 2 से 3 बार मैक्सिमम करना ही है। और कंडीशनर करने के बेनिफिट्स ये है कि पहली चीज़ आपके बाल फ्रिजी नहीं होंगे, और दूसरी चीज़ आपको स्प्लिटिंग्स नहीं होंगे, और तीसरी चीज़ ये है कि आपके बाल पतले नहीं होंगे। और ये कंडीशनर करने के बाद भी अगर ये तीनों चीज़ें हो रही है तो उसके बारे में, यानी इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो किया था, उसमें भी बताया था। उसका वीडियो मैं तुम लोग डिस्क्रिप्शन में दूंगा या ऊपर आई में दे दूंगा, कहीं भी दे दूंगा तुम लोग को। तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी भी मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को 30-45 days में बालों को ट्रिम लेना है। ट्रिम लेना है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग पूरे बाल काट दे रहे हो। टिप्स होती है जो बाल की इतनी उसको कट करने 30-45 days में करते रहेंगे, तो इससे तीनों चीज़ से बच जाएंगे आप लोग। अगर कंडीशनर करने के बाद भी हो रही है ये, और कंडीशनर करने का भी एक तरीका है कि तुम लोगों को डायरेक्ट स्कल्प पे नहीं लगाना है, स्कल्प पे नहीं लगाना कंडीशनर को। कंडीशनर को तुम लोग को बड़े ही प्यार से ऐसे 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 करके लगाना है, और लड़ना नहीं है बालों से, कि ऐसे 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 करके लड़ना नहीं है, प्यार से लगाना है बालों को, प्यार से रखना है। बहुत प्यारी चीज़ होती है बाल, तो उसका ध्यान रखने के लिए ये चीज़ें याद कर लो। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद टिप है, इसको फॉलो करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अभी बढ़ते हैं तीसरी टिप की तरफ। तीसरी टिप
हेयर फॉल्स के ऊपर है, मतलब मैंने तुम लोग को बोला तो दो पार्ट करेंगे अपन हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल के लिए, तो तीसरी टिप हेयर फॉल से बचने के लिए। तो बढ़ते हैं हेयर फॉल की पहली टिप की तरफ, यानी तीसरी टिप की तरफ वीडियो की। तो हेयर फॉल से बचेंगे तो हेयर ग्रोथ होगी, हेयर ग्रोथ नहीं भी हुई तो जितने बाल है हमारे, जितनी डेंसिटी है हमारे बालों की उतने पे रुक जाएगी, जितनी वॉल्यूम है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, टिकी रहेगी। तो बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ, मैं तुम लोग बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। कि तुम लोग तुम्हारे शैम्पू पे ध्यान दो कि तुम लोग कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हो, वो कितना केमिकलाइज्ड है और कितना ऑर्गेनिक है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जितना हो सके ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करो, केमिकलाइज शैम्पू से बचो तो शायद हेयर फॉल होना बंद हो जावे। तो हमारा ये आज का सबसे पहला आसान सा टिप ये है कि तुम लोग ऑर्गेनिक शैम्पू को यूज़ करो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम लोग ध्यान दो कि तुमको शैम्पू सूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो स्विच कर दो भाई और ऑर्गेनिक शैम्पू पे आ जाओ, क्योंकि मैं भी ऑर्गेनिक शैम्पू यूज़ करता हूँ। अब मैं नाम नहीं बताऊँ क्योंकि हर किसी को वो शैम्पू सूट होता नहीं होता, कभी मेरे नाम बताने से तुम लोग के बच्चे कुछ बाल भी गिर गए तो फिर तुम लोग मेरे को ज़बरदस्ती बोलेंगे। तो तुम लोग खुद से ट्राई करो भाई कि तुम लोग के लिए बेस्ट क्या है। इंसान अपने लिए अपना बेस्ट चूज़ करता है कि वो क्या डिजर्व करता है, तो तुम लोग खुद देखो कि तुमको क्या सूट हो। ये आसान थी तीसरी टिप थी, अब बढ़ते हैं चौथी टिप की ओर, यानी हेयर फॉल की दूसरी टिप की ओर। तो बढ़ते हैं आज की चौथी टॉपिक की तरफ, मतलब हेयर फॉल की दूसरी टॉपिक की तरफ। तो चौथी टॉपिक ये है आज की वीडियो की हेयर फॉल से बचने के लिए, कि सबसे पहले तुम लोग जादू बनना छोड़ दो, धूप से बचो। जब भी धूप में बाहर निकलो तो या तो अम्ब्रेला या तो फिर सर पे रुमाल बांध लो या फिर कैप ले लो या कुछ भी जो तुमको सही लगे वो कर लो। डायरेक्ट सनरेज से बचो तो तुम लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इससे। एकदम आसान है, ये चीज़ को फॉलो करो तुम लोग के हेयर फॉल होना बंद हो जाएंगे। डायरेक्ट धूप बहुत हार्मफुल है हमारे स्कल्प के लिए, हमारी बालों की जड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो डायरेक्ट धूप में निकलना बंद करो। धूप में निकलने से बाल डैमेज होते हैं, स्वेटिंग होती है, डैंड्रफ होता है, इससे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज और हेयर फॉल होने लगता है। सो ये चीज़ से बचो धूप में निकलने से, और बच रहे हो तो एसेसरीज लो जैसे कि अम्ब्रेला, हैंकरशिप, कैप, जो भी है तुम लोग को जो जमता है वो लो। तो ये चीज़ों से बचोगे तो हेयर फॉल से बचोगे। सो आज का हमारा एकदम आसान सा चौथा टिप था, अब बढ़ते हैं पांचवी टिप की ओर। पांचवा टिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बढ़ते हैं आज की पांचवी टिप की ओर। सबसे आसान टिप है ये भी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, हेयर ग्रोथ के लिए भी है और हेयर फॉल के लिए भी, जो है पीस ऑफ माइंड। तुम लोग को जितना ज़्यादा स्ट्रेस रहोगे, जितना ज़्यादा तुम लोग डाइट को अवॉइड करोगे, जितना ज़्यादा तुम लोग मतलब जॉम्बी बन के घूमते रहोगे, जॉम्बी जैसी हरकतें करते रहोगे, तो तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, जिससे हेयर ग्रोथ भी रुक सकती है और हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो तुम लोग स्ट्रेस कम लो, नींद पूरी लो, डाइट अच्छी लो और जितना हो सके खुश रहो। इससे तुम लोगों को क्या है, खुश रहने से खून भी बढ़ता है, हंसने से खून बढ़ता है, सुने ही रहेंगे तुम लोग। तो खुश रहो तो तुम लोग के बाल भी सही रहेंगे, नींद पूरी लो उससे भी सही है, डाइट भी अच्छी लो और स्ट्रेस कम लो। ये सबसे आसान टिप है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इस पर ध्यान दो, ये सारी चीज़ों को देखो, तुम लोग का हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ दोनों एकदम सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी आसान सी पांचवी टिप, अब बढ़ते हैं बोनस टिप की ओर। आज से यानी अब की बात से आज से ठीक दो महीने तक तुम लोग को जो पूछना है तुम लोग पूछ लो भाई, क्योंकि दो महीने बाद मैं आउटडोर ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ। उसके बाद तुम लोग को टिप्स जो भी रिलेटेड मेरे से है चीज़ें सिर्फ Q&A में जानने मिलेगी। तो खाली आज से ठीक दो महीने तक है तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग को जितना पूछना है, जितना जो जानना है तुम लोग सब कमेंट में बोल दो, मैं वीडियोस कर दिया करूँगा। क्योंकि आउटडोर ब्लॉग स्टार्ट करने के बाद मेरे पास टाइम नहीं रहेगा कि मैं घर में बैठ के वीडियोस करूं, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर में रहना अवॉइड ही करूंगा, ज़्यादातर मैं बाहर ही रहूंगा। तो आज से ठीक दो महीने तक की तुम्हारे पास टाइम, तुम लोग जितना पूछ सकते हो पूछ लो, और हर वीडियो में तुम लोग को हो सके तो मैं बोनस टिप्स दूंगा। और आज भी मैं तुम लोग को दे रहा हूँ हेयर केयर में दो बोनस टिप्स दे रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये भी जो मैं बताना भूल गया लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको भी सुन लो। तो आज का हमारा बोनस टिप पहला ये है कि तुम लोग अगर रोज़ ट्रैवल करते हो या बाहर खेलने जाते हो या मेरी तरह वीडियोस बनाने या कुछ भी करने जाते हो, तो सबसे पहली चीज़ अगर तुम लोग ये सब करते हो तो डेली शैम्पू नहीं करना है बालों को, और डेली वॉश करना है, और वॉश करना है बिना शैम्पू के, और शैम्पू भी वीक में जैसे कंडीशनर का सीन है 2-3 बार मैक्सिमम, वैसे शैम्पू का भी सीन है 2-3 बार मैक्सिमम करना है, और बालों को डेली धोना, और 70% तुम लोगों को सुखाना है टॉवल से, और जंगलियों की तरह नहीं, बालों से लड़ना नहीं ऐसे ऐसे करके, प्यार से सुखाना है, प्यार से स्कल्प को पोछना है, बालों को पोछना है, एक एक वे में पोछना है, एक तरीके से पोछना है, और बालों से लड़ना नहीं है। 70% तुम लोग वो कर लो और 30% वो बाल नेचुरली सूखने दो, पूरी तरह से मत सुखाओ। डेली ड्रायर यूज़ मत करो बाल पे, ये भी एक टिप है, ये भी एक बढ़ गई तुम लोगों के लिए टिप, डेली ड्रायर भी यूज़ मत करो।
जितना हो सके बालों को नेचुरली सूखने दिया करो। तो ये आज का हमारा बोनस टिप था, इस चीज पे भी, इस चीज को भी फॉलो करो, ये भी बहुत। तो टिप ये है कि अगर एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही बाल गिर रहे हैं तुम्हारे, ऐसा हाथ डाल रहे तो बाल गिर रहे हैं, एक्सट्रीम हेयर फॉल बोलते हैं इसको, हो रहे हैं, तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि मतलब सर को क्लीन शेव कर लेते हैं, टकला हो जाते हैं, तो भाई ऐसा जरा भी नहीं करना है। क्योंकि टकला होने से क्या होगा, जो तुम्हारे हेयर के फॉलिकल्स है, मतलब जो रूट्स है जहाँ से बाल निकलते हैं, तो वो पैक हो जाएंगे, जिससे तुम्हारे वहाँ पे बाल आ भी सकते हैं या फिर नहीं भी आ सकते हैं। वो तुम्हारे हारमोन्स पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे हारमोन्स कैसे, उसके ऊपर डिपेंड करती है वो चीज़। तो टकला होना एक हिसाब से मैं बोलूँगा कि बहुत गलत डिसीजन तुम लोगे तुम्हारी लाइफ का, अगर तुम्हारे हेयर फॉल हो रहे हो और तुमने टकला कर लिए। तो टकला होना अवॉइड ही करो। और रही बात हेयर फॉल की, तो मैंने हेयर ग्रोथ की दूसरी टिप जो बताया हूँ, कंडीशनर को लेके, जो फ्रीजी फ्रिक्वेंसी ये सब बढ़ाने की चीज़ें जो बताया मैंने, डेंसिटी जो भी बताने की चीज़ें बताया, तो वो चीज़ को फॉलो करो, शायद से तुम्हारे बाल वहीं पे होल्ड हो जाएंगे भाई। और अगर उसके बाद भी एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, एक्सट्रीम हेयर फॉल हो रहा है, तो भाई डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, मेडिकेशन लो, क्योंकि बाल नहीं तो कुछ नहीं है, बाल है तो है सब। तो मेडिकेशन लो, इतना ही बोलूँगा। और मतलब ये सब, फिर ये सब जो टिप्स है मेरी, वो एक्सट्रीम लेवल के जो हेयर फॉल है उन लोगों के लिए नहीं है, जो एवरेज हेयर फॉल है उन लोगों के लिए है। और एक्सट्रीम हेयर फॉल वाले भाई तुम लोग यही करो कि तुम लोग जाओ और मेडिकेशन लो, डॉक्टर को कंसल्ट करो। तो आज का यही एकदम आसान से दो मेरे बोनस टिप्स है। और मैंने बोल दिया कि अब तुम लोग के पास 2 महीने का टाइम है, तुम लोग जितना पूछ सकते हो पूछ लो, उसके बाद आउटडोर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तुम लोग को वीडियो पसंद आया, टिप अच्छी लगी, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दो। और कमेंट्स में बताया करो मेरे को कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में बोला, तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताया करो कि तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, तो मैं तैयार रहूँ वो चीज़ के लिए। और ये वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और पूरा देखो, और जिसको भेजो उसको भी बोलो कि भाई पूरा देख, जो ज़रूरतमंद है उसको भी बोलो भाई पूरा देख, तो ये यूज़फुल रहेगा वीडियो। तो ये वीडियो को ख़त्म करते हैं, बाय, लव यू ऑल।